नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अहमदाबाद उदयपुर रूट पर चलाने हैं तो 4 ट्रेनों को प्रारंभिक तौर पर रेलवे बोर्ड के द्वारा मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी उद्घाटन की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि आगामी गुजरात चुनाव के पूर्व यह कार्य किया जा सकता है। खैर, तारीख आने पर ही हम इसके बारे में आपको कुछ बता पाएंगे। वहीं दोस्तों, जो सूची जारी हुई है 4 ट्रेनों की, उसमें से 2 ट्रेनों के बारे में विभिन्न तरह के कयास आम लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हम उनमें से कुछ बातें साफ कर देना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि जो जयपुर असारवा गाड़ी है, जिसका कि नंबर 12981 और 82 रखा गया है, यह नंबर पूर्व में चेतक एक्सप्रेस को अलाट था, लेकिन वर्तमान में परिचालनिक कारणों से इसका नंबर 204-7374 हो चुका है। इसलिए जो पुराना नंबर था 12981-82, यह फ्री पड़ा हुआ था, इसलिए नई गाड़ी को उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा अलाट करने की अनुशंसा रेलवे बोर्ड से की गई और इस पर स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो इंदौर उदयपुर गाड़ी चलती है 193-29 और 30 नंबर के साथ में, यह गाड़ी का विस्तार असारवा तक किया जा रहा है, क्योंकि इसका लाईओवर पीरियड उदयपुर में काफ़ी ज़्यादा था। इसके लिए इस रेक का उपयोग करके इसे असारवा तक भेजा जाएगा। इस गाड़ी से इंदौर से असारवा अहमदाबाद के लिए एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी तो प्राप्त होगी ही, साथ ही जो बीच के शहर हैं रतलाम से आगे के, नीमच, मंदसौर, पिपलिया, चित्तौड़गढ़ आदि के लिए भी अहमदाबाद से एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी मिल जाएगी, क्योंकि पूर्व में इस रूट पर चलने वाली कोलकाता अहमदाबाद गाड़ी को यहां से हटाकर अन्यत्र दूसरे रूट पर शिफ्ट कर दिया गया। इस वजह से इस रूट से अहमदाबाद के लिए केवल गिनी चुनी ही गाड़ी है, जिसमें से ओखाना द्वारा गाड़ी प्रमुख है, और उसके बाद में इन लोगों के लिए कोई दूसरी गाड़ी अहमदाबाद के लिए नहीं बचती है। इस स्थिति में यह गाड़ी यदि असारवा तक जा रही है तो उससे परेशानी नहीं होना चाहिए। वैसे भी कुछ लोग तर्क दे रहे हैं अहमदाबाद से इंदौर की दूरी शांति एक्सप्रेस 526 किलोमीटर तय करती है और इस गाड़ी में वह दूरी 777 किलोमीटर हो जाएगी, तो इंदौर के लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। तो इंदौर से अहमदाबाद के लिए बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। वे लोग रतलाम से, उज्जैन से अपनी गाड़ियाँ अहमदाबाद के लिए पकड़ सकते हैं, लेकिन जो रतलाम से आगे नीमच, मंदसौर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि एरिया है, उन लोगों के लिए यह ट्रेन काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारी बात से बहुत सारे लोग भी इत्तेफाक रखते होंगे, इसलिए हमने आपके सामने यह छोटी सी जानकारी प्रस्तुत की है। तो जो टाइम टेबल बनाया गया है उसके अनुसार हम चर्चा करते हैं। उदयपुर से इंदौर की वर्तमान दूरी 479 किलोमीटर के आसपास है, जो कि 298 किलोमीटर असारवा तक विस्तार के बाद 777 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में यह गाड़ी 10 घंटे 35 मिनट का समय इंदौर से उदयपुर का ले रही है और इसमें 5 घंटे 25 मिनट का समय असारवा से उदयपुर का जोड़ दिया जाए तो करीब 16 घंटे का समय यह लेगी। वहां पर थोड़ा रुकने के बाद यह गाड़ी वापस दोपहर में 2 बजे रवाना हो जाएगी, जो कि शाम को 8 बजे के करीब उदयपुर पहुंचेगी। वहां से इंजन चेंज आदि की फॉर्मेलिटी करने के बाद में 8:30 बजे के करीब में इंदौर के लिए रवाना होगी, लेकिन इसके लिए अलग से टिकट यात्रियों को लेना पड़ेगा। वहीं इंदौर से आते समय यह गाड़ी सुबह 4 बजे के करीब उदयपुर पहुंच जाती है। वहां से यह गाड़ी 5:30 बजे यानी कि करीब 1.5 घंटे रुकने के बाद में असारवा की ओर प्रस्थान करेगी। 10:30 बजे के करीब यह असारवा पहुंच जाएगी। तो रिजर्व कोच के यात्री तो पूर्व में आरक्षण करा के चलते हैं, लेकिन जनरल कोच वालों के लिए अलग से टिकट डायरेक्ट बनवाना पड़ेगा। हो सकता है आने वाले समय में असारवा से उदयपुर के बीच के स्टेशनों से इंदौर के लिए सीधा टिकट दिया जाने लगे, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इस रूट के खुलने के आसपास में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी, ऐसी पूरी उम्मीद की जा रही है। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि यह गाड़ी रतलाम, नीमच, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ एरिया को तो असारवा अहमदाबाद के साथ कनेक्टिविटी देगी ही, वहीं जो हिम्मतनगर और वागड़ क्षेत्र के बाशिंदों को मालवा से कनेक्शन के लिए सड़क मार्ग से बस या प्राइवेट वाहनों में भारी खर्चा करके आना जाना पड़ता था। बीच के क्षेत्र हैं डूंगरपुर, जयसमन रोड, खारवा चांदा आदि की भी कनेक्टिविटी रतलाम, उज्जैन,
नीमच मंदसौर आदि क्षेत्रों के साथ में बढ़ाएगी, क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए पूर्व में कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं थी। पूर्व में मीटर गेज ट्रेनों का संचालन होता था, तो उन लोगों को उदयपुर में ट्रेनें बदलकर जाना पड़ता था। यह पहली बार है कि वहां के लोगों को इंदौर क्षेत्र तक के लिए सीधी रेल सेवा मिल रही है, तो इस प्रयास की हम प्रशंसा करते हैं। फिलहाल में हम सभी को इस रूट के उद्घाटन की तारीखों की घोषणा का इंतजार है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से हम सब लोग इसके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। यह छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।